और ये चीज़ देखो, ये तलवारें हैं, इस तरह के सब लड़ने के लिए साधन हुआ करते थे। ये बंदूक है, गन्स है वगैरह। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आया हूँ अभी एक सऊदी का, ये पूरा मक्का का पूरा ये म्यूज़ियम है। तो ये पूरा यहाँ पे पूरा हिस्ट्री है, पूरा पुराना पुराना सब फ़ोटोज़ वगैरह है, पुरानी सब चीज़ें हैं। तो आइए पूरा ये म्यूज़ियम मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह पूरा। तो चलते हैं इंशाल्लाह। पूरा ये म्यूज़ियम है यहाँ का। ये नोकीले पत्थर जो है वो हथियार के तौर पे यूज़ किया करते थे। और ये पुराने सब बर्तन वगैरह, मिट्टी के बर्तन हैं सब पुराने, वो टाइम पे सब ये मिट्टी के बर्तन यूज़ किया करते थे। ये सब मिट्टी के बर्तन हैं। ये आप देख सकते हो। और ये जो है वो मिट्टी के बर्तन है, लेकिन उसमें सब डिज़ाइन वगैरह किया गया है, सब इस तरह की पूरी डिज़ाइन है। यहाँ पे पेंटिंग पूरा किया गया है का ये मिट्टी के बर्तन के ऊपर। और ये जगह जो बताया गया है वो यही जगह पे सब ये बर्तन है वो उनको पाए गए थे, मतलब यही जगह पे उनको ये बर्तन मिले थे। ये पूरा बर्तनों का ये पूरा म्यूज़ियम है। और ये भी आप देखो, ये इस तरह के नोकीले पत्थर भी हथियारों के तौर पे या कुछ भी काम के लिए यूज़ किया करते थे। सब नोकीले पत्थर है, भाला वगैरह टाइप का ये पूरा पत्थर है, ये सब हथियार के तौर पे काम किया करता था। यहाँ पे देखो इस तरह का ये डिज़ाइन है, ये भाले टाइप का डिज़ाइन है अलग अलग। और ये जो पत्थर आप देख रहे हो उसके ऊपर कुछ आकृति पेंटिंग की गई है, मतलब ये उसको कुछ चीज़ों से पूरा ये खोद के, मतलब में एक डिज़ाइन बनाया गया है। जैसे जानवर के पहले ज़माने में सब इस तरह के पत्थर के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाते थे। ये देखिए पूरा पत्थर, ये दूसरा पत्थर है, इसके ऊपर पूरा इस तरह के जानवरों के पूरे डिज़ाइनिंग बना गया है। ये पत्थर जो है तईब से, तईब जो एरिया है वहाँ से मिला गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरे पत्थर पे इस तरह, ये छोटा सा स्टोन है, ये बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर भी ये पूरा पेंटिंग किए जाता था पहले। ये एक और ये पत्थर है, ये देखिए कुछ हिरन वगैरह का कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। ये पूरा ये भी तईब एरिया से मिला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा तईब एरिया से ये पत्थर छोटा सा लाया गया, ऊँट वगैरह है या छोटा छोटे से सब ऊँट वगैरह सब प्राणी है उसके सब के लगा हुआ है। और ये पुराना मक्का का पुराना ये मैप है, इस तरह मक्का दिखता था पहले अगर आप ऊपर से देखेंगे तो। और ये जो पत्थर है यहाँ पे, ये पत्थर के ऊपर कुछ, मतलब मैं ये पत्थरों के ऊपर कुछ अल्फाबेट लिखे गए हैं। उस टाइम पे कुछ इस तरह की ये लैंग्वेज थी, लैंग्वेज पूरा लिखा हुआ है, पूरा अलग टाइप का है ये। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा इस तरह का ये अल्फाबेट है, एक लैंग्वेज है ये, एक लैंग्वेज ये पत्थरों पे लिखा हुआ है। देखिए ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे, छोटा स्टोन है लेकिन बड़े बड़े पत्थरों पे भी लिखा गया है। ये पत्थर जो है उसको कुछ कोतर के, मतलब में कुछ चीज़ों से इसको पूरा ये अल्फाबेट लिखा गया है। और इस तरह का आप देखो ये पत्थरों के ऊपर पूरा ये डिज़ाइन वगैरह है, कुछ लिखा गया है कुछ ये चीज़ में। यहाँ पे देखो ये ऊँट वगैरह का कुछ ऐसा डिज़ाइनिंग बनाया है उन्होंने। ये देखिए आप, कुछ ना कुछ पत्थरों के ऊपर पहले ज़माने में लिखते थे इस तरह के, ताकि कोई वो जगह पे जाए तो उनको मालूम पड़े कुछ क्या है। ये सब देखो अल्फाबेट लिखा हुआ है पूरा।
पूरी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज पूरी लिखी हुई है, या पूरे छोटे छोटे स्टोन वहाँ से निकाले गए हैं। देखिए पूरा ये अल्फ़ाबेट जो है, जो ये लैंग्वेज है, उसका पूरा ट्रांसलेट किया गया है अरबी जबान के अंदर, कि अब तो इस तरह किस तरह कौन सा अल्फ़ाबेट को कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है। तो इस तरह से उनको मालूम पड़ता है कि ये पत्थरों के ऊपर क्या लिखा गया है। देखिए पूरा सा ये लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट किया गया है, ये पूरा उसका लैंग्वेज का पूरा सा ये डिटेल्स है कि कौन से अक्षर को क्या बोला जाता है। ये आप देखते हो, ये उस अभी भी ये पहाड़ी एरियों में ये जानवर पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन अभी भी पाए जाते हैं पूरे जंगली मतलब में पहाड़ी ये सब है। ये आप देख सकते हो पहाड़ में इस तरह के जानवर अभी भी पाए जाते हैं, जंगली जानवर हैं, बिल्ली वगैरह है, ये सब मंकी वगैरह है, इस तरह के जानवर पाए जाते हैं अभी भी, ये दिखते हैं इस तरह के फ़ोटो है। ये पूरे रन वगैरह में ये जानवर दिखे जाते हैं। ये कुछ समुद्र से कुछ पत्थर निकाले गए हैं इस तरह के, पानी से निकाले गए हैं पत्थर कुछ, ये भी ये पत्थर है, स्टोन है इस तरह का, डिजाइनिंग वगैरह का इस तरह का ये स्टोन मिला गया है पूरा, देख सकते हैं यहाँ पे ये भी स्टोन है, ये अलग अलग टाइप का स्टोन है, ब्लैक कलर का स्टोन है ये, इसके ऊपर पूरा उस स्टोन का नाम वाम भी लिखा गया है, जो जिसको जानकारी है स्टोन की वो तुरंत पहचान जाएंगे। और ये पूरा यहाँ का ये म्यूजियम है पूरा, ये पुरानी तस्वीर है मक्का की, जब हज करने लोग आते थे तब, पुरानी तस्वीर है। और ये अपने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ये उनकी हिस्ट्री है, उनके बाद ये सब पूरा डिटेल है कि उनके बाद कौन कौन से, पूरे डिटेल लिखा गया है। और ये एक मैंने ये देखा, ये जो चीज़ है पत्थर के ऊपर उसको कुछ चीज़ों से खोदर के पूरी कुरान की आयत लिखी गई है। ये मैंने टच करके देखा तो ऐसा लगता है कुछ, मतलब मैं ऐसा लगेगा अपने को कि ये कुछ प्रिंट किया गया है, लेकिन ये प्रिंट नहीं किया है, ये पूरा आयत लिखी गई है, हाथों से लिखी गई है। ये देख सकते हो ये पूरे कितने स्टोन हैं, बिस्मिल्लाह वगैरह पूरा पूरा आयत लिखा है यहाँ पर कुरान की, इस तरह की डिज़ाइन बनाई है हाथों से माशाल्लाह। ये ऐसा लिखता है कोई मशीनरी यूज़ की है गई है, लेकिन ये कोई मशीनरी यूज़ नहीं किया है, पूरे हाथों से इन्होंने ये पूरे स्टोन पे ये बनाया है, पूरा आयत बनाया है, कुछ चीज़ों से नोकीली चीज़ों से इसको खोद के बनाया गया है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए आप पूरी ये पूरी डिज़ाइनिंग है, और यहाँ पे पूरी कुरान की आयतें लिखी गई है पत्थरों के ऊपर, ये पूरे अल्फाबेट है, ये पूरे लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है उस टाइम पे यूज़ की जाती थी, पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था, पूरा उसका ट्रांसलेट है अरबी में, कौन सी लैंग्वेज को क्या बोलते थे, कौन से अक्षर को क्या बोलते थे, यहाँ पर पूरा लिखा गया है, पूरा सा ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश मतलब में अरबी जबान। ये सफ़ा मारवा का जो जगह है, सफ़ा मारवा की अभी फ़िलहाल तो पूरा बन गया है, तो ये हौली मुश्किल जब पानी आया था मक्का में, ये उस टाइप का जो फ़ोटो है, ये काबा है यहाँ पे, ये पूरा पानी देख सकते हैं यहाँ पे, रेन जब आया था वो टाइम पर है। और ये जो अपने शैतान को जो पत्थर मारते हैं, अभी तो पूरा ब्रिज बन गया है, पूरा पत्थर तो पूरा एकदम कम्प्लीट हो गया, पहले इस तरह का था कुछ। और ये मीना है, ये पूरा मीना है, अभी तो पूरा डेवलप हो गया, अभी इस तरह पहले इस तरह के सब तंबू हुआ करते थे, अभी देखो ये अभी थोड़ा ये डेवलप हो गया पूरा ये मीना, अभी तो फ़िलहाल पूरा ये हो गया है जबल रहमत का, ये है पूरा, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी ये जबल रहमत है पूरा, इस तरह के तंबू बांधा हुआ करते थे पहले हज के टाइम पर, ये पूरा ये जबल रहमत है आप देख सकते हो, ये मकाम इब्राहिम है पूरा, ये दरवाज़ा है पूरा, ये अपने काबा के ऊपर,
ये जिद्दा का है कुछ। ये जिद्दा में जब ये पूरे होड़ी से सब लोग आते थे हज के लिए। देखो ये आप ये पूरा देख सकते हो कि पहले किस तरह लोग यहाँ हज के लिए उमरा के लिए आए। तो फैक्ट्री किसवा मक्का में है यहाँ पे फैक्ट्री, ये पहले इस तरह से बनाया करते थे। अभी नया फोटो है, पुराना फोटो है ये, जब किसवा उतारते हैं वो टाइम का ये फोटो है। ये पूरा हरम का पूरा सा इन लोग ने एक बनाया है, हरम पूरा किस तरह का पूरा ये सेटअप है या किस तरह का है ये पूरा, ये पूरा ये हरम है आप देख सकते हो। ये पूरा जब हरम की जब तामीर चल रही थी ये पूरा उस टाइम का फोटो है। ये देखिए पूरा उस टाइम का फोटो है किस तरह से पूरा ये फोटो में है, ये जब तामीर चल रहा था वो टाइम का फोटो है। यहाँ पे पुराने फोटो है कुछ, मीना का है ये मीना का फोटो है। ये लिखा हुआ है कुछ 1200 सऊदी कॉइन, पहले इस तरह के कॉइन हुआ करते थे। देखिए पहले ये 10 रियाल की नोट है पुरानी, 5 रियाल का नोट है कुछ, ये 1 रियाल का है, 10 रियाल का है, इस तरह की पहले कुछ किंग अब्दुल्ला अजीज़ के टाइम पे सब पूरा कॉइन चल रहा था। अभी यहाँ भी है कुछ ये नोट, ये 100 रियाल है, 50 रियाल, ये सब पूरी नोट है यहाँ पे, ये कॉइन वगैरह है। यहाँ पे कुछ ये ऑयल ड्रिलिंग दम्माम के अंदर ये कुछ फैक्ट्री है, ये ऑयल का फैक्ट्री है उसका फोटो है कुछ, डिस्कवरी ऑफ ऑयल द अबू अदारिया का कुछ ये है। यहाँ पे कुछ ये है, देखो ये इंक पॉइंट एंड पेन, इंक डालने के लिए कुछ है यहाँ पे, कॉम्प्रेशर है ये पेपर का कुछ, राइटिंग प्लेट है मतलब इस पे पेपर रख के लिखा जाता है। ये कुछ यहाँ पुराना ये बिल्डिंग का फोटो है वगैरह सब, पहले के ज़माने में इस तरह की बिल्डिंग हुआ करती थी। देखिए यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये तलवारें हैं, इस तरह के सब लड़ने के लिए साधन हुआ करते थे। ये बंदूक है, गन्स है वगैरह, ये लकड़ी का कुछ चीज़ है, खंजर वगैरह ये सब है, बेल्ट है ये पूरा। इस तरह के ये भाला हुआ करते थे पहले, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह है, इस तरह का ये पानी का कुछ जग है, ये खाना बनाने के लिए पूरा सब सामान है, पूरा बर्तन है ये सब, ये वाटर जग है पूरा, ये इडली वगैरह है, पुराने बर्तन है ये सब, ये बैग है, इस तरह की बैग हुआ करती थी पहले, ये कहवा चाय वगैरह का ये जग है पूरा। पानी को बॉईल करने के लिए पहले इस तरह का इस्तेमाल किया जाता था, कॉफ़ी कप है यहाँ पे, स्पून वगैरह है। ये बुखुरदानी है यहाँ पे, ये सब पूरा अत्तर वाला ये सब देखते हो, प्रेस भी है यहाँ पे, कंघी वगैरह है। ये जो देख रहे हैं ये साबुन है, इस तरह के साबुन हुआ करते थे पहले। मशीन है यहाँ पे, मशीन अंदर है बताया गया नहीं है, इस तरह के
पोशाक पहले इस तरह के कपड़े पहने जाते थे। ये सिंगार के लिए देखो, ये पूरा ये एक कबर्ड है, पूरा अंदर सिंगार के लिए रखा जाता था। ये इस तरह का कुछ ड्रेस है, ये ताबूत है यहाँ पे पुराना। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है मेरा। ये बुखुरदानी है, ये अत्तर वगैरह छांटे वो सब का पूरा, इस तरह के कपड़े थे पहले। शायद ये बेल्ट है, बेल्ट प्रेस है, खेती बाड़ी करने के लिए पूरा। ये देखो खेती बाड़ी करने के लिए पूरा इस तरह का था, ये हल है पूरा। ये जो आटा अपने आटे के लिए यूज़ करते हैं, चक्की बोलते हैं, आटे चक्की, मसाला वगैरह ये पूरा ये पीसने के लिए। ये टोल कांटा है देखिए, पहले ये सब टोल कांटा हुआ करता था। ये भी टोल कांटा है, किटली वगैरह है शायद ये। ये जो ओवन वगैरह होता है जो अपने कोलसा जला के बनाते हैं, ये देखो इस तरह के कुछ साधन थे। छोटा वाला ये फानस है, ये सब मतलब मैं अपने जो रेगुलर वपराश में जो आता है, हथौड़ी है, छीनी है, ये सब चीज़ें जो वर्कर लोग जो काम करते हैं, कारपेंटर का ऐसा कुछ भी काम करते हैं उसके लिए सब पूरा, ये पूरा कट करने के लिए है पूरा लकड़ी वगैरह। छीनी हथौड़ी है ये जो लकड़ा छीलने का है, ताला वगैरह है। देखो ये पूरी इस तरह की डिज़ाइन पहले बनाया करते थे लकड़े में, पूरा लकड़ा खोट के बनाया हुआ है, पुरानी डिज़ाइन है सब। इंडोर का है मतलब ये दरवाज़ा है। तो ये पूरा म्यूज़ियम जो है मैंने आपको ये बताया, एक और भी म्यूज़ियम था यहाँ पर पूरा, मतलब हरम की सब चीज़ रखा करते हैं, जैसे हजर एसवद का जो पत्थर है उसके ऊपर जो जो चांदी का पूरा सेट है वो है, और बहुत सारी चीज़ थी काबा की, से जो सीढ़ी चल सीढ़ी काबा के अंदर जाने की जो सीढ़ी है वगैरह, और कुछ बहुत सब चीज़ थे वो हरम के पास। एक म्यूज़ियम था लेकिन अभी वो फिलहाल वो बंद कर दिया गया है, लेकिन ये कि ये म्यूज़ियम है यहाँ पे सब ये आपको मैंने दिखाया है, अब पुरानी सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरी चैनल। अगर आप मेरी YouTube चैनल पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो नीचे लिंक है Facebook पेज का, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप Facebook पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप वहाँ नीचे जाके लिंक है YouTube चैनल का, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यही वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, आपका ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं एक दूसरे नए वीडियो में इंशाअल्लाह।